प्रकृति झूम उठती है, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। प्रकृति झूम उठती है, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिल उठते हैं और पंछी चहचहाते हैं। इसीलिए हम हिंदू चैत्र माह में नववर्ष मनाते हैं। इस माह ब्रह्मा ने की सृष्टि की शुरुआत। इस माह ब्रह्मा ने की सृष्टि की शुरुआत और विष्णु ने लिया मत्स्य अवतार। मनु ने की मनुष्यता की बात, इसलिए मनाते हैं हम हिंदू चैत्र में नववर्ष हर बार। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के इस राशिफल को हम प्रारंभ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका अप्रैल मंथ का राशिफल। कैसा जाएगा आपके लिए महीना, क्या क्या इसमें होने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है, वो सब कुछ बताऊंगी और साथ ही अंत में ये भी बताऊंगी कि क्या उपाय आपको इस मंथ करना है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, वो जो आपकी सटीक राशि है उस अनुसार आप देखिए। नहीं पता होने पर नाम राशि से भी देख सकते हैं। इस राशिफल में ज्योतिष की गणनाओं पर मैं आधारित आपको प्रिडिक्शंस बताती हूँ। साथ ही में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, आभास होता है, उसके माध्यम से भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आप लोग मैसेज करके कहते हैं 100% आपकर सटीक बैठती हैं। राशिफल प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं इस मंथ में कौन कौन से त्योहार यानी कि फेस्टिवल होने वाले हैं। 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी है, 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण दोनों साथ में पड़ेंगे, 9 अप्रैल को नवरात्रि की घट स्थापना यानी कि नवरात्रि प्रारंभ होंगे और हिंदू नव वर्ष भी हमारा इसी दिन से प्रारंभ होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी है, इस बार नवरात्रि जो है पूरे 9 पड़ रहे हैं। 19 अप्रैल को कामदा एकादशी और 23 अप्रैल को हनुमान जयंती एवं चैत्र की पूर्णिमा पड़ेगी। चलिए अब जानते हैं कि इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ बैठने वाला है और फिर जानेंगे कि वो आपकी राशि पे आपको क्या प्रभाव देगा। सूर्य जो है वो 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा महीने की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और अंत में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है 9 अप्रैल को मीन राशि में और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये वक्री भी हो जाएंगे। बृहस्पति मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। शुक्र जो है ये 31 मार्च से मीन राशि में है, फिर 25 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे आप किसी दुविधा में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे इस महीने। कोई ऐसी चीज है जहां दो राहें पर आप खड़े हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। दो ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन आप दोनों ही ऑप्शंस को ना तो चूज करना चाहते हैं ना आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं किस तरफ जाएं। तो वहां कहीं ना कहीं आपको किसी लेडीज की गाइडेंस मिलेगी और तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग आपके लिए फाइट करेंगे, यानी कि दो प्रकार के लोग हैं और दोनों आपके लिए फाइट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको दो जगहों से किसी तरह का प्रपोजल मिल जाए। अगर आप जॉब इत्यादि करते हैं, करियर से रिलेटेड है, तो आपको कोई दो कंपनी से ऑफर मिल सकती है। और अगर आपका मैरिज रिलेटेड इशू है या लव लाइफ से रिलेटेड है, तो भी आपको दो अलग अलग जगह से इंटरेस्ट आ सकता है। दो लोग हैं जो आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, मतलब दोनों ही आपको पाना चाहते हैं, लिटरली लड़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन दोनों आपको पाना चाहते हैं, दे आर कम्पीटिंग फॉर यू। तो वो काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसकी वजह से काफी डिस्टर्ब हो रहे हो क्योंकि आप उस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाए। तो जैसे मैंने बताया, किसी लेडीज की आप हेल्प लेंगे, सलाह लेंगे, तो वहां से आपको काफी रिलीफ मिल जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का काम जो है बहुत समय से पेंडिंग चल रहा था, बहुत समय से आपका कोई काम है पूरा होके ही नहीं दे रहा है, तो अब वो काम पूरा होने का समय आ गया है। आपको भगवान से हेल्प मिलेगी, आपको देवी शक्तियों से हेल्प मिलेगी, आपके अंदर भी काफी पावर होगी और उस काम को आप डेफिनेटली खत्म कर लोगे। अगर आपका कोई दशा बहुत लंबे समय से ऐसा चल रहा था जो बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहा था, आप सोच रहे समय बदल ही नहीं रहा, तो काफी लोगों के लिए कोई ना कोई उनकी दशा कुंडली में जाके देख लेना,
कोई ना कोई दशा तुम्हारी समाप्त जरूर हो रही है, कोई ना कोई कंप्लीशन तुम्हारे लिए जरूर हो रहा है। इस समय में पैर में थोड़ी मोच आ सकती है, भागा दौड़ी कम करें, और कुछ लोगों की पीठ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, रीढ़ की हड्डी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां आपको थोड़ा टेक केयर करना है। कुछ लोगों के बाल भी जो है मुझे बहुत मैसी होते दिखाई दे रहे हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोगों के बालों में जुएं पड़ती दिखाई दे रही है, या बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, लेडीज हैं तो स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा ही मैसी दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल बेकाबू से आपके बाल एकदम रफ और ड्राई और बिल्कुल ही आप परेशान हो गए हैं उससे। तो वहां थोड़ा सा पहले से केयर करके चलो ताकि बाल आपके खराब ना हो, वरना आपके बाल काफी झड़ना शुरू हो जाएंगे। भगवान शनिदेव के सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार, उन्हीं में से एक के बारे में बताते हैं, उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि कैसे कृपा हुई है उन पर भगवान शनिदेव की। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है और मैं यहाँ पे 1 साल से आ रही हूँ गुरु माँ के दरबार में। और मेरे हस्बैंड जो है, काम भी उनका, बेचारे वो जाते थे कमाने के लिए तो कहीं अच्छा काम नहीं चल रहा था, महीने भर करते थे या 2 महीने करते थे तो उनका काम चलते चलते बंद हो जाता था। जब से हम यहाँ दरबार में आ रहे हैं तो हमारा काम भी ठीक चल रहा है और हमें फ़ायदे भी बहुत हैं और सारी बीमारी से ही बचे हुए हैं। यहाँ पे गुरु माँ के दरबार में आने की कोई फीस नहीं लगती और गुरु माँ जो है वो सबकी बातें सुनती हैं, उनका सारा सलूशन निकाल के उनको बताती हैं तरीका हर चीज़ का। इस समय में आप अपने घर में कोई नया फर्नीचर बना सकते हैं या कोई फर्नीचर लेके आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके घर में कारपेंटर एंटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप कुछ उनसे कुर्सी या सोफा या कोई ऐसा फर्नीचर बैठने वाला आप कुछ बनवा रहे हैं, या फिर घर के लिए कोई ऐसा नया फर्नीचर आप खरीद रहे हैं। इस समय आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे, आपके पास काफी सारे लोग आएंगे जो आपकी हेल्प मांगेंगे, हो सकता है आप कोई दान पुण्य करें, हो सकता है भंडारा वगैरह करें, कुछ तो है जहाँ बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं, और आप बहुत सारे लोगों को कुछ देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपका मन करेगा जैसे आप बिल्कुल अकेले हो जाए, मतलब बिल्कुल किसी से बात ना करें, अपने एकांत में रहें, थोड़ा सा आप दूसरों से बचना चाहोगे, कटना चाहोगे, क्योंकि आपको क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, तो उस कंफ्यूजन के लिए आप अपने अंदर ही झांकेंगे, खुद को ही देखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा समय आपको एकांत में निकालना चाहिए, और आपका मन भी बहुत ज्यादा करेगा। कई बार ऐसा कुछ लोगों का मन कर सकता है कि सब कुछ छोड़ करके एकदम भाग जाए, बट ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा। इस समय में आपका जो अंदर का जो प्योरिटी है, आपके अंदर की जो अच्छाई है, वो काफी लोगों को दिखेगी कि आप किस तरीके से मन से अच्छे हैं, चाहे वाणी से आप कितने भी कटु हो, लेकिन मन से आप अच्छे हो, तो वो काफी लोगों को दिखाई देने वाला है। आप तो थोड़ा वेटिंग पीरियड में ही रहोगे, क्योंकि कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा सॉलिट्यूड में, वेटिंग पीरियड में वहीं दिखाई दे रहे हो, और लोग आपके इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब आपका जवाब उनको मिलेगा। थोड़ा सा अपने धन पर ध्यान दें, खर्चे बढ़ सकते हैं घर में, या कोई रिलेटिव आ सकते हैं घर में जिसकी वजह से खर्चे बढ़ जाएं, या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी अननेसेसरी खर्चे में फंसना पड़ जाए, जहां आपको पैसा देना भी नहीं था वहां आपको देना पड़ जाए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, खर्चे कंट्रोल करने की जरूरत है। उंगलियों में कुछ लोगों की मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अगर आप घर में फार्म वगैरह है, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह करते हैं, फार्म वगैरह है, तो जो मुर्गी रहती हैं या इस तरह के जानवर जो आपने पाले हैं, उनके हाथों में या पंजों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ लोगों की खुद की उंगलियों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां थोड़ा अपने फिंगर्स पे अपना ध्यान देना है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ आपकी ठीक ही रहेगी, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है, आपने जो कह दिया वो रूल बन जाएगा आपके घर में, तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम वहां नहीं दिखाई दे रही है, फैमिली में शांति है, शांतिपूर्वक ये महीना जो है फैमिली में कट जाएगा। कोई चाबी आपको मिल सकती है, अगर कोई चाबी गुम गई है आपकी, तो इस महीने आपको कुछ चाबी मिल सकती है, या कुछ लोगों को लिटरली घर की चाबी उनको मिल सकती है, नए घर की चाबी मिल सकती है, या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको कुछ दे सकते हैं, उनसे कुछ प्रॉपर्टी प्राप्त करना, उनकी कोई इनहेरिटेंस प्राप्त करना, कुछ ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आप में से किसी भक्त ने बहुत प्यारा कमेंट किया कि गुरु माँ आप उपाय भी जरूर बताया करें, आपका राशिफल तो सटीक होता ही है, हम अपने जीवन को सुधार करने के लिए क्या उपाय करें वो भी बताएं। तो मैं आपको बुध का उपाय इस बार बता रही हूँ, क्योंकि बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे, और इस महीने में वक्री रहेंगे, तो उनका जो वक्री होने का प्रभाव है आप पर बुरा ना पड़े, उसी के लिए आपको उपाय बता रही हूँ, उसको सुनिए। आपने
या फिर तीन कन्याओं को हर बुधवार, जब तक बुध ग्रह हमारी वक्री है तब तक हर बुधवार उन कन्याओं को आपने सूजी का हलवा अपने हाथ से बना करके बांटना है। वो कन्या आपकी घर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दान पुण्य जो है वो बाहर किया जाता है, घर के अंदर नहीं किया जाता। तो आप उनको हलवा खिला करके, अगर हो सके तो उनके चरण छू करके आशीर्वाद लें, और अगर वो आपके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखेंगी, कम से कम 3 या 6, या उसी की क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं 9 12 इस तरीके से, लेकिन मिनिमम 3 लड़कियां तो जरूर होनी चाहिए जो कि 13 वर्ष से कम की आयु की हो। अगर आप उनको मीठा खिलाते रहेंगे हर बुधवार, तो बुध जितने भी वक्री हो जाए आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। जब बुध वक्री होते हैं तो ऑलरेडी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध वक्री है तो उनका अच्छा प्रभाव, अगर बुध अच्छे हैं तो आपको जरूर मिलेगा और तेजी से मिलेगा। अगर बुध अच्छे नहीं है और वक्री है आपकी कुंडली में, तो आपको तेजी से उसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्री बुध है ही नहीं, मार्गी ही है, तो भी अगर अच्छी अवस्था में है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और अगर बुरी अवस्था में है तो आपको बुरे रिजल्ट जल्दी से देने लगेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में वक्री होते हैं उनको शीघ्र और ज्यादा प्रभाव इस समय में मिलता है। उन लोगों को ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ताकि ये महीना आपके लिए बिल्कुल स्मूथ जाए। ये महीना, ये माह आपके लिए बहुत अच्छा जाए। नव वर्ष हमारा हिंदुओं का प्रारंभ हो गया है, तो ये नव वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखद जाए, ऐसी ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, सभी नवग्रह देवताओं से। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।